ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जिसको बहुत गुस्सा आता था, बात बात पे गुस्सा आता था। और जब उसको गुस्सा आता था तो वो ये नहीं देखती थी कि उसके सामने कौन है, और जो उसके मन में आता था वो सब बोल देती थी। कई कई बार तो वो कुछ चीज़ें उठाती और ज़मीन पर फेंकती और तोड़ देती। तो उसके माँ बाप बहुत परेशान हो गए, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उन्होंने बहुत कोशिश करी उस बच्ची को समझाने की अलग अलग तरीके से, लेकिन वो बच्ची समझ ही नहीं रही थी। फिर एक दिन उसकी माँ ने उसकी ट्यूशन टीचर से बात करी, क्योंकि ट्यूशन टीचर ही एक ऐसी थी जिसकी कि वो बात सुनती थी। तो उसकी टीचर ने उसकी माँ की सारी बातों को सुना और उनको बोला कि आप चिंता मत करो, आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर ही इस बच्ची का गुस्सा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसकी माँ को समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कोशिश करने में क्या जाता है। फिर उस दिन रोज़ की तरह जब वो टीचर आई और वो क्लास शुरू होने वाली थी, तो उसकी टीचर ने उस बच्ची से कहा कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम एक गेम खेलेंगे। तो बच्ची ये सुन करके बहुत खुश हो गई। फिर टीचर उस बच्ची के साथ में उस घर के पीछे एक दीवार के पास में जा करके खड़ी हो गई, और उस टीचर ने उस बच्ची को कहा कि गेम ये है कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए, तुम्हें कील लेनी है और यहाँ पर आकर के इस दीवार में गाड़ देनी है, थोड़ी सी जितनी हो सके। फिर उस बच्ची ने टीचर से पूछा, लेकिन इससे क्या होगा? तो टीचर ने कहा कि जब ये गेम खत्म हो जाएगी तो तुम्हें एंड में एक प्राइज मिलेगा। फिर उस बच्ची ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे कि उस टीचर ने कहा था, यानी कि अब उसको जब भी गुस्सा आता तो वो जाती और जा करके एक कील उस दीवार में गाड़ देती। तो जैसा कि उस लड़की को बहुत गुस्सा आता था, तो पहले ही दिन वहां पर 10 से ज्यादा कीलें गड़ गई। लेकिन उन कीलों को गाड़ने के लिए उसको बार बार पीछे जाना पड़ता और जा करके उस कील को गाड़ना पड़ता। तो उसके दिमाग में आया कि जितनी मेहनत मैं लगाती हूँ उस कील को गाड़ने में, उससे कम मेहनत में मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती हूँ। अगले दिन 8 कीलें गड़ी, उसके अगले दिन 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। फिर एक ऐसा भी दिन आया जब एक भी बार उसको गुस्सा नहीं आया और एक भी कील उस दीवार में नहीं गड़ी। और वो बच्ची बहुत खुश हो गई। खुशी खुशी वो अपनी टीचर के पास में गई और जा करके उनको बताया कि देखो मैम, आज मैंने एक भी कील उस दीवार में नहीं गाड़ी है क्योंकि मेरे को एक बार भी गुस्सा नहीं आया है। तो मैम ने उसको थोड़ी सी शाबाशी दी और मैम उसके साथ में उस दीवार के सामने जा करके खड़ी हो गई। अब मैम ने उस बच्ची को कहा कि गेम अभी खत्म नहीं हुई है, अब तुम्हें क्या करना है कि जिस भी दिन तुमको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है, उस दिन के एंड में तुम एक कील को इस दीवार से निकाल दोगी। तो बच्ची ने वैसा ही किया, लेकिन क्योंकि कीलें बहुत ज्यादा थी तो 1 महीने से भी ज्यादा टाइम लग गया उन सारी कीलों को बाहर निकलने में। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब सारी कीले उस दीवार से बाहर निकल गई। फिर वो बच्ची बहुत ही खुश होकर के अपनी टीचर के पास में गई और जाकर के बोला कि अब उस दीवार में एक भी कील नहीं है। तो उसकी टीचर उस बच्ची के साथ में उस दीवार के सामने जाकर के खड़ी हुई, उसने देखा कि एक भी कील नहीं है दीवार में, फिर उसको उसकी एक फेवरेट चॉकलेट गिफ्ट करी और बोला कि तुम इस प्राइज को जीत गई हो। बच्ची बहुत ही खुश हो गई। फिर टीचर ने उस बच्ची से पूछा कि क्या तुमको इस दीवार में कुछ नजर आ रहा है? तो बच्ची ने कहा, नहीं मैम, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सारी कीलें निकल चुकी हैं। तो उस टीचर ने कहा, एक बार ध्यान से देखो, शायद कुछ नजर आए। तो उस बच्ची ने दोबारा देखा और कहा, वो जो कीलें मैंने गाड़ी थी उसके कुछ निशान मुझे नजर आ रहे हैं दीवार में। जब बच्ची ने ये देख लिया, फिर उसकी मैम ने उस बच्ची को कहा, जैसे तुमने इस दीवार में कील गाड़ी और अब तुम उस कील को तो निकाल सकती हो लेकिन उसके निशान को नहीं मिटा सकती, ठीक इसी तरह से होता है जब तुम गुस्सा करती हो। जब तुम गुस्सा करती हो अपने माँ बाप पे या किसी पे भी, तो उनके दिल पर चोट लगती है, उनको दर्द होता है और वहां पर एक निशान रह जाता है। उस निशान को तुम चाह करके भी हटा नहीं सकती, फिर चाहे तुम उनसे जितना मर्जी माफी मांग लो। ये सुनकर बच्ची को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोने लगी और वो भागती हुई गई और अपनी माँ के पास में जा करके उनसे गले लग गई और अपनी माँ को बोली कि मम्मा, मैं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूंगी, मुझे समझ आ गया है मैंने क्या गलती करी। और उस दिन के बाद उस बच्ची ने कभी गुस्सा नहीं किया।